तो वंस अगेन दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का अर्निंग अपॉर्चुनिटी चैनल पर। तो अभी जैसा कि दोस्तों रियल एड का आगाज़ होने वाला है और जो हमारा ई है वो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है और हम सभी लोगों को दोस्तों रियल एड देखने को मिलने वाले हैं और हम सभी लोगों को दोस्तों अर्निंग भी मिलने वाले हैं, हमारी इनकम भी स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों जा लाइफस्टाइल के लिए अभी एक बहुत बड़ा दिन आने वाला है जो कि 31 को है। अभी जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम होगा कि कंपनी ने बोला है जो हमारा ईहा है वो 31 से पहले लॉन्च हो जाएगा। तो दोस्तों कंपनी हमको बहुत जल्दी अपडेट देने वाली है अपने न्यूज़लेटर के थ्रू। तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं और हर एक वीडियो में वो लोग यही चीज़ कमेंट कर रहे हैं कि सर न्यूज़लेटर कब आएगा, न्यूज़लेटर का डेट क्या है, न्यूज़लेटर तो आ नहीं रहा। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप लोगों को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि न्यूज़लेटर कब आएगा। आप लोग दोस्तों बस और सिर्फ अपना जो अकाउंट है जा लाइफस्टाइल का उसको रोज़ चेक करो, जा लाइफस्टाइल के वेबसाइट पे विज़िट करो और वहाँ पे देखो कि क्या कोई नया न्यूज़लेटर आया है। क्योंकि दोस्तों कंपनी ने पहले ही बोल रखा है कि जो भी कंपनी के अपडेट है वो आपको न्यूज़लेटर के थ्रू ही मिलेंगे। और अभी दोस्तों तो ये तो एक मेन बात हो गई कि अभी हमको बहुत जल्दी अपडेट मिलने वाला है और इस अपडेट में दोस्तों हम सभी लोगों को रियल एड के रिगार्डिंग में कंपनी कुछ ना कुछ अपडेट देने वाली है। क्योंकि दोस्तों अगर ईहा लॉन्च हो जाता है तो फिर रियल एड तो आना एकदम कंपलसरी है। तो दोस्तों रियल एड हम सभी लोगों को देखने को मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। तो आप सभी लोग थोड़ा और पेशेंस रखिए क्योंकि दोस्तों कंपनी एक स्टार्टअप कंपनी है और कंपनी अपने जो भी काम है उसको बहुत अच्छे से कर रही है। तो अभी जैसे बहुत सारे लोग थे जो बोल रहे थे कि ये कंपनी जो है ये फ्रॉड है, ये ऐसा है वैसा है। तो दोस्तों अभी जैसा कि जो कंपनी है वो PCI सिक्योरिटी के साथ इन्वॉल्व हो चुका है, ठीक है। उन्होंने दोस्तों जा लाइफस्टाइल के साथ पार्टनरशिप कर लिया है और जो हमारा रैपिड था दोस्तों वो भी कंपनी के साथ जुड़ चुका है। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो कि यहाँ पे दोस्तों रैपिड आ चुका है और यहाँ पे लिखा हुआ है पावर्ड बाय रैपिड। तो दोस्तों अगर ये कंपनी फ्रॉड होती तो जो ये PCI सिक्योरिटी है और जो ये रैपिड है वो कभी दोस्तों इनके साथ काम ही नहीं करता, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये जो ब्रांड है ये बहुत बड़े ब्रांड है, ठीक है, और ये जो है दोस्तों किसी के साथ भी काम करने से पहले सोचते हैं, उसको देखते हैं, उसको परखते हैं और फिर जाके वो लोग उस चीज़ में एंट्री लेते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर वो किसी गलत कंपनी के साथ काम करते हैं और बाय चांस जितने भी लोग हैं उनका लॉस हो जाता है तो जितने भी लोग हैं दोस्तों उनका भरोसा इन कंपनियों से भी चला जाएगा। तो इसीलिए कंपनी कभी भी ऐसा काम नहीं करती है जिससे दोस्तों उनके जितने भी कस्टमर हैं या जो भी है उनका भरोसा नीचे उतरे। तो इसीलिए दोस्तों ये जितने भी कंपनियां हैं रैपिड और PCI सिक्योरिटी ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है और जो PCI सिक्योरिटी है दोस्तों इसके वजह से दोस्तों जो भी मतलब जो हमारा अकाउंट है या जो भी जा लाइफस्टाइल का वेबसाइट है, ईहा का वेबसाइट है, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े वेबसाइट के साथ ऐसा हो रखा है कि वो वेबसाइट हैक हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका फ़ायदा ये है कि जो हमारा वेबसाइट है उसको कोई हैक नहीं कर पाएगा और जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास ही रहेगी। तो दोस्तों ये एक कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा चीज़ किया है कंपनी ने। और जैसा कि दोस्तों इतने सारे ब्रांड्स अभी हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं तो आप सभी लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने इतने दिन मेहनत किए, इतने साल वेट किए, तो दोस्तों अभी कुछ दिन और फिर दोस्तों जो भी सपने हम लेके आए थे वो पूरे होने वाले हैं। हम सभी लोगों को दोस्तों अर्निंग यहाँ से मिलने वाला है। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि कंपनी स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों कंपनी स्टार्ट होने वाला है। स्टार्टअप कंपनी को दोस्तों जो जो चीज़ें चाहिए होती है स्टार्ट होने के बाद, हमारी कंपनी उन्हीं चीज़ों पर काम कर रही है कि स्टार्ट होने के बाद कंपनी जो है वो रुके ना, ठीक है, वो चलता रहे। टाइम ले रहा है, लेकिन दोस्तों टाइम इसीलिए ले रहा है ताकि वो अच्छे से काम कर सके मार्केट में। अभी मान लो कंपनी स्टार्ट हो जाता है, फिर जब पेमेंट देने का बारी आएगा तब अगर कंपनी ने पेमेंट नहीं दे पाया तो समझ रहे हो ना आप मेरी बात। तो इसीलिए दोस्तों कंपनी इतने अच्छे से काम कर रही है कि लास्ट में उसको
कोई मतलब दुख ना हो कि यार उस समय हमने ऐसा नहीं किया इसीलिए अभी हमको ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो कंपनी चाहती है कि जो प्रॉब्लम आए वो स्टार्टिंग से पहले आए, लेकिन स्टार्टिंग के बाद हमको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए दोस्तों कंपनी थोड़ा टाइम ले रही है, लेकिन दोस्तों हमको बहुत जल्दी अपडेट देखने को मिलने वाला है इस चीज़ का। आप थोड़ा इंतज़ार करो, अपने वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहो, क्योंकि दोस्तों आपको जो भी अपडेट है वो वेबसाइट से ही मिलेगा। तो दोस्तों बस यही कुछ बातें थी जो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।